हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिंट खार। आज की डिश इनोवेटिव डिश है, आपने शायद पहले नहीं बनाई हो तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आज हम बनाएंगे कैबेज पात्रा। जी हाँ, सही सुना आपने, हम कैबेज यानी पत्ता गोभी के पत्ते से बनाएंगे पात्रा। बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए, लिए हैं कुछ पत्ते कैबेज के, जितना हो सके उतने बड़े निकाले। इसको पानी में सॉक किया है, पानी में ऐड किया है मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा पापड़ खार, जो हम पापड़ बनाने में यूज़ करते हैं। इससे थोड़े पत्ते सॉफ्ट बनेंगे। बेसन करीब 200 ग्राम, उसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, करीब 3 नींबू का रस, ऑयल लेंगे करीब 3 चम्मच, शुगर 2 से 2.5 चम्मच, गरम मसाला, सभी मसाले थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं क्योंकि पात्रा में मसाले थोड़े आगे ही होते हैं तभी टेस्टी लगते हैं। पानी ऐड करके हम थिक बैटर प्रिपेयर करेंगे। बैटर थोड़ा थिक रखेंगे क्योंकि हमें इसको स्प्रेड करना है कैबेज के पत्ते के ऊपर। अब एक प्लेट में इस तरह से पत्ता रखिए और बनाया हुआ बैटर स्प्रेड करें। इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे। और इसका रोल बना लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पत्तों का भी रोल बना लेंगे। तो आप देख सकते हो ये सभी रोल बनकर रेडी है। अब इसको हम स्टीम करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए और फिर चेक करके अगर थोड़ा सा कच्चा लगे तो और 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। मिनिमम इसको 10 से 12 मिनट लगती है पकने में। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए तभी इसको कट करें। इस तरह से नाइफ लेकर आप कट कर लीजिए। अब इसके लिए हम तड़का प्रिपेयर करेंगे। लिया है करीब 3 से 4 चम्मच ऑयल, राई और तिल यानी सीसम सीड ऐड करके, हरी मिर्च ऐड की है। 1 मिनट के लिए इसको पकने दें, फिर ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। 8-10 सेकंड के लिए इसको सोते करके हम ऐड करेंगे इसको पात्रा के ऊपर। तो रेडी है फ्रेंड, इसको आप फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करें, है ना डिलीशियस। इसको आप केचप या मीठी चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में जो छोटा सा बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।